दीपा और और मुझे आपको बताते हुए काफी काफी खुशी हो रही है कि यस आई हैव फाइनली अपग्रेडेड माय मॉनिटर। यस तो पहले जब मैं मॉनिटर यूज करता था, मैं आपको पूरा डिटेल भी बताता हूँ। तो उसके पहला मैंने यही मॉनिटर क्यों लिया, मैंने लाइक यही पैनल मैंने क्यों चूज किया, मैंने LG का ही क्यों चूज किया, मैं आपको बताऊंगा। तो अभी धीरे धीरे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं। ऑलराइट, तो अब मैंने मॉनिटर क्यों अपग्रेड किया, आपको सवाल आया रहेगा, राइट? तो मैंने इसलिए अपग्रेड किया, चाहो तो मैं अपना ग्राफिक कार्ड या फिर प्रोसेसर, इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ अपग्रेड कर सकता था, या फिर SSD या मेमोरी वगैरह, लेकिन मैं मॉनिटर क्यों चूज़ किया, क्योंकि इससे पहला, क्योंकि आपको शायद से पता नहीं, मैंने PC बिल्ड जो किया है मैंने, उसका मैंने प्रॉपर वीडियो अब तक नहीं बनाया, क्योंकि मेरा सेटअप अब तक पूरा कंप्लीट है ही नहीं। जब भी फाइनल सेटअप होगा तभी मैं प्रॉपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। अभी लाइक मेरा जो मेन CPU भी प्रॉपर बिल्ड हो चुका है, उसमें बस छोटा मोटा अपग्रेड करना बाकी है। तो जो मुझे मेन अपग्रेड करना था वो मॉनिटर ही करना था, क्योंकि इससे पहला जो मॉनिटर यूज़ कर रहा था वो है ये। यस, ये जो पुराना मॉनिटर आता है 19-20 inch का जो ऑफिस मॉनिटर होता है, वो ये वाला मॉनिटर है। और एज यू नो कि मैं कलर ग्रेडिंग, वीडियो एडिटिंग एंड फोटो में कलर ग्रेडिंग ये सब चीज़ करता हूँ, तो इसमें एक अच्छे पैनल का होना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर अच्छा पैनल ही नहीं होगा तो मुझे जो कलर्स आउटपुट रहेंगे वो प्रॉपर आउटपुट में मिलेगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पहले का दो प्रोजेक्ट्स पहले एक क्लाइंट से लाइक करेक्शन आया था, उसको बैकग्राउंड में लाइक रेड कलर चाहिए था। आपको पता ही रहेगा कि हर कलर का एक कोड होता है, तो मैं तो कोड के हिसाब से प्रॉपर करता था, लेकिन जब रेंडर होता था तो वो एक्चुअल रेड नहीं होता था, वो रेड का कोई और शेड होता था। फॉर एग्जाम्पल मरून रेड या फिर कोई ऑरेंजिश रेड होता है ना, तो जब मैं एडिट करता था तो सामने रेड कलर दिखता था, लेकिन जब मैं आउटपुट में वो कलर लाइक एक्सपोर्ट करता था मुझे रेड नहीं मिलता था, इससे काफ़ी प्रॉब्लम होता था मुझे। तो यस, आई सीरियसली नीडेड एन अपग्रेड। तो कुछ एक साल वेट करने के बाद आई फाइनली बाइड माई मॉनिटर, तो मैं उसका भी आपको रिव्यू दूंगा अभी। ओके, तो अब जब मैं मॉनिटर ले रहा हूँ तो मेरे मॉनिटर के रिक्वायरमेंट्स क्या है, देखते हैं। ओके, टॉकिंग अबाउट द 1080p डिस्प्ले, माय फर्स्ट चॉइस वाज़ अ 1080p डिस्प्ले, बिकॉज 4K बजट में था नहीं, क्योंकि मुझे ज़रूरत है नहीं वैसे भी, क्योंकि मैं मोस्टली जो काम करता हूँ और जो मैं शूट करता हूँ वो मोस्टली 1080p पर ही होता है, और 4K का चार्जेस ज़्यादा मेरा कुछ यूज़ है नहीं। अगर कुछ हुआ भी तो मैं प्रॉक्सी बना के यूज़ कर सकता हूँ, तो इतना कुछ मैटर करता नहीं 4K मुझे। और सेकंड, मुझे थोड़ा बेजललेस चाहिए था, क्योंकि मुझे पूरा स्क्रीन टू द बॉडी रेशियो काफ़ी अच्छा चाहिए था। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द साइज, मुझे काफ़ी बड़ा साइज चाहिए था, 32 inch मेरे बजट से ऊपर जा रहा था, और 27 inch इज़ क्वाइट इनफ बिग फॉर मी। 27 inch पे काफ़ी स्मूथ एडिटिंग होती है और ज़्यादा क्लम्सी भी होता नहीं, पूरा टाइमलाइन इजीली फिट हो जाता है, एंड ज़्यादा कुछ चीज़ें रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। माई नेक्स्ट प्रेफर्ड थिंग वॉज एन पैनल, तो मैं ऐसा कौन सा एरा गहरा नथु गहरा पैनल नहीं यूज़ मैं करूँगा, ऑब्वियसली मैं IPS पैनल को ही जाऊँगा। वेट अ सेकेंड, आपको IPS पैनल नहीं पता, डोंट वरी, आई विल टेल यू। मोस्टली तीन तरह के पैनल्स होते हैं, वो है IPS पैनल, VA पैनल एंड TN पैनल। अब जो गेमिंग वगैरह करते हैं, जिनको हाई रिफ्रेश रेट चाहिए, ज़्यादा FPS चाहिए, दे विल गो फॉर द TN पैनल। उसमें आपको काफ़ी हाई रिफ्रेश रेट मिलेगा और काफ़ी स्मूथ गेम प्ले चलेगा, लेकिन आपको कलर्स इतने इमर्सिव और इतने अच्छे आपको नहीं मिलेंगे। और सेकेंड एंड टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पैनल इज IPS पैनल। IPS पैनल पे आपको कलर्स A1 क्वालिटी के मिलेंगे, लेकिन रिफ्रेश रेट थोड़ा कम मिलेगा। ऑब्वियसली मैं इतना ज़्यादा गेमिंग वगैरह करता हूँ नहीं, तो मुझे TN पैनल का इतना ज़रूरत है नहीं,
तो I went for the IPS panel and it works really good for me. LG अपने खुद के panels decide करता है, I mean design करता है, तो obviously उसका color calibration भी काफ़ी अच्छा है. तो yes, I purposely went for the LG and मुझे बाकी भी मिल रहे थे, MSI हो गया, AOC हो गया, लेकिन I mostly preferred LG क्योंकि yes, its color science is way much awesome than other panels. Talking about the gamma correction of this monitor is like 72% NTSC, which gives up to 99% of the color correction to me. ताकि red जो है proper ready होगा, orange orangey होगा और white whitey होगा. तो ज़्यादा color distortion का मुझे भी कुछ problem नहीं आएगा. Okay, so this was the video and that was the monitor. I hope आपको पसंद आया रहेगा. आपको इस चैनल पे फिल्म मेकिंग, फोटो एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग इस रिलेटेड के सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे. अगर आपको ऐसे सब सीखना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो. अगर आपको लाइक नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन प्रेस करो और हर हफ्ते एक नई वीडियो आएगी. सो अगर आपको ये मॉनिटर बाय करना है तो मैं बेस्ट बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा. अगर कुछ क्वेरीज वगैरह रहेगा आप नीचे कमेंट कर सकते हो या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो करके आप DM कर सकते हो. एक बार चेकआउट कर लो इंस्टाग्राम, फोटोज एंड वीडियोज कंटेंट अच्छा लगा रहेगा तो एक बार फॉलो कर दो. और मैं मिलता हूँ आपके साथ अगली वीडियो में. अभी नया मॉनिटर आया तो कलर ग्रेडिंग एंड ऑल ये सब नए नए वीडियोज आने वाले हैं. अभी बहुत सारे वीडियो का कॉन्टेंट है एंड यस, जनवरी में काफ़ी बड़ा प्लान हो रहा है. अगर ऊपर वाले के भरोसे हो गया सब कुछ ठीक से तो फिर यस, काफ़ी तोड़ वीडियोज आने वाले हैं. और बस मिलता हूँ आपसे अगले वीडियोज में. दिस इज दुशंगता साइनिंग ऑफ.